क्या आप एक मिल्क शेक चुनेंगे या फिर 100? जब हमारी मनपसंद चीजों की बारी आती है तो हम ज्यादा ही चाहते हैं, इसलिए हम फिर से 100 लेयर चैलेंज कर रहे हैं। हे भगवान, एमी इतनी देर क्यों लगा रही है, हमारी मूवी मिस हो जाएगी। एमी, बस 5 मिनट, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तुमने 15 मिनट पहले भी कहा था। कोई बात नहीं जस्टिन, एमी को तैयार होते हुए देखने का मतलब है जैसे ओवन में ब्रेड को देखते रहना। सीधा कहे तो दोनों ही बहुत समय लेते हैं। ठीक है, तो लगता है अब यही रुक कर पिज्जा ऑर्डर करना होगा। हाँ, हम मूवी नहीं देख पाएंगे। हाँ जी, मैं तुम्हें मूवी मिस करने के लिए 100 लेयर चैलेंज की सजा दे रहा हूँ। ओ यार, मैंने अभी अपने बाल बनाए थे। इस चैलेंज के लिए एमी के बालों पर हेयर स्प्रे के 100 लेयर्स होंगे। हेलो लेयर नंबर 1, देखो ये तो एक पे एक लगे ही जा रहे हैं। खैर एमी, इतनी देर इंतजार करने के बाद कुछ ना पाने पर कैसा लग रहा है? ठीक है, क्या ये पूरा हो गया? ओहो, बाल तो काफी स्टिफ लग रहे हैं। क्या इस जान में और स्प्रे बचा है? और कितनी शर्म की बात है, आज बाल सच में अच्छे लग रहे थे। और बस 100 लेयर्स पूरी हो ही गई। इतने लेयर्स के बाद तुम्हें ब्लो ड्राई की जरूरत है। आखिरकार हो गया। वो एमी, लगता है तुम्हें करंट लगा है। देखा, कहा था ना, तुम्हें लगता है मैं इस तरह डिनर या मूवी पर जाऊंगी? ओह हाँ, मुझे लगता है तुम्हारे नए बालों को हमें शो ऑफ करना चाहिए एक इंस्टाग्राम पोस्ट डालकर। बिल्कुल नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये क्या बकवास है, मुझे इस तरह से निकलना होगा। तो चलो नहाते हैं और मास्क लगाते हैं। ये खत्म हो गया? अरे यार, बचा ही नहीं। ओह हे एमी, बस मास्क उतार कर आता हूँ। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? जो भी है, मुझे इसे सबक सिखाना होगा ताकि मेरे सामान को हाथ ना लगाए। क्या रास्ता साफ है? अब जस्टिन सोचेगा कि ये टैनिंग लोशन मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। बस लेबल लगाना है और काम हो गया। और अब हम जादू का इंतजार करेंगे, पर पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो चलो, मुझे थोड़ा लोशन लगाना चाहिए। ओह हाँ, ये तो यही पड़ा है। ओह बॉय, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं इतना ना लगाती जस्टिन। और पारी है 100 लेयर चैलेंज की बेबी। अगर जस्टिन को पता होता कि मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं टैनिंग लोशन है तो वे कभी ना करता। ओहो, इसके बाद तो वो पहचाना भी नहीं जाएगा। हे भगवान, ये तो बहुत थकाने वाला है। यिक्स, अपनी आंख में मत लगा लेना दोस्त। क्या इसके इतने लेयर्स लगाना सेफ है? जल्दी पता लग जाएगा, है ना? तो बस हो ही गया, पर अभी भी 20 लेयर्स बाकी हैं। तो लगता है हो ही गया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो हाथ अच्छे से धोती। अच्छी नींद आई। मेरे फेस मास्क को क्या हुआ? टैनिंग लोशन? लगता है आज कोई ऑफिस नहीं जा पाएगा। वाह, आज रात की कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। और जस्टिन पूरे जोश में है। हाँ, ये बंस मुझ पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस एक चीज रह गई है। क्या ये कलर ठीक है? ओहो, इतना समय है। मुझे पता है इस कॉस्ट्यूम को और इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है। चुबाका, सच में मैं तुम्हें 100 लेयर चैलेंज देता हूँ इन हेयर एक्सटेंशंस के साथ। नहीं, मुझे पता था आज रात बहुत जबरदस्त होने वाली है और मैं बिल्कुल तैयार हो गई थी। खैर कोई बात नहीं, एक्सटेंशन नंबर 1, चलो इससे ही शुरू करें। जस्टिन ने मुझे एक रंग के एक्सटेंशन के बारे में तो कुछ नहीं कहा, है ना? अगर चुबाका के बाल भी एमी जैसे होते तो उसे भी हर सुबह तैयार होने में बहुत समय लगता। वाह, इन मजेदार ह्यूज को तो देखो। क्या ये आपको भी उतना ही इंटरेस्टिंग लग रहा है जितना मुझे लग रहा है? करती रहो एमी, बस हो ही गया। फिर मेरे हाथ भी थक रहे हैं और अब मुझे इन्हें लगाने की जगह भी नहीं मिल रही। ठीक है, अब ज्यादा नहीं बचे ना। किसे पता था मैं ये हेयर एक्सटेंशन कितने स्टाइल्स में यूज कर पाऊंगी।
हाँ, अब तो बिल्कुल जगह नहीं बची दोस्तों। वाह, जरा एक्सटेंशन से भरा हुआ सर तो देखो, ये लाजवाब है। तो जस्टिन, मैंने चैलेंज पूरा कर लिया और मेरे अंदर की चुबाक अभी बाहर आ गई। हाँ बिल्कुल, तुम्हें बस एक और चीज चाहिए, स्टार वॉर फैंस और उनके लाइट सेबर्स। सही कहा ना? चलो अब पार्टी करें। हे जस्टिन, कैसा रहा? मैं तो यहाँ कुकीज खा रही थी, ये बहुत अच्छे हैं। और मेरे ग्रीन जूस का टेस्ट ठीक ठाक है। वाह, ओरियोज इतने अच्छे कभी नहीं लगे। क्या मैं एक ले लूं? नहीं, तुम डाइट पर हो, याद है ना? मुझे याद मत दिलाओ। तो मैं यहीं बैठकर इनको घूर था। जो भी है, कोई नहीं देख रहा, मैं एक तो ले सकता हूँ। ओह स्वीट चॉकलेटी गुडनेस, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। एक तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। क्या तुमने मेरी एक कुकी ली? हाँ, देख कर तो लगता है। तो तुम्हारे लिए ये 100 कैसे रहेंगे? हाँ वाह, ये तो बहुत सारी कुकीज है। क्या तुम पक्का ये करने वाले हो जस्टिन? एक सेकंड रुको, तुम क्रीम के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना ये सबसे अच्छा हिस्सा है। ठीक है, लगता है ये कोई मेथड इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, लगता है जस्टिन अपने लिए जायंट ओरियो क्रीम सैंडविच बना रहा है। उसे देखो तो, इतना ज्यादा ध्यान उसने अपनी जिंदगी में किसी और चीज में नहीं लगाया। तुमने कुकीज के साथ ये करना कहाँ से सीखा? ओ, देखो वो कितना खुश लग रहा है। करते रहो, बस हो ही गया। बस ध्यान देना वो गिर ना जाए। देवी और सज्जनों, देखिए, आपने इससे लंबा ओरियो कहीं नहीं देखा होगा। और आखिर में कुकी टॉपर। हाँ, मुझे तुम पर गर्व है। रुको, तुम्हें याद है ना, तुम्हें इसे खाना है। और मैं इसे खाऊंगा कैसे? लगता है इसे खाने में मजा आएगा। स्वीट हॉली क्रीम, ये बहुत स्वाद है। हे, मुझे भी दोगे? बस थोड़ी सी बाइट, चलो भी। ओह, एमी के घर पे स्पा डे चल रहा है और आज हम पैराफिन वैक्स हैंड ट्रीटमेंट करने वाले हैं। हे एमी, क्या कर रहे हो? ये आंखों के नीचे क्या है? और तुम्हारे हाथ पर ये है क्या? अजीब है, मेरी उंगली मोमबत्ती की तरह लग रही है। तुमने पूरा माहौल खराब कर दिया। तो अब यही खड़े हो तो 100 लेयर चैलेंज शुरू करो। हाँ, पकड़े गए। पर मेरी उंगली, ये इसके बाद ऐसी नहीं रहेगी। वैक्स गर्म है, तुम्हें शुरू कर देना चाहिए। ओ यार, मैं बास्केटबॉल खेलने जाने वाला था, पर लगता है ये स्पा तो करना ही होगा। खैर, हम लोशन से शुरू करते हैं, इसके साथ ये आराम से निकल जाएगा। ये कुछ अजीब तरह का ही गर्म है। और अब बर्फ में हाथ डालो। ये अलग अलग टेम्परेचर की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है। बस कुछ ही लेयर्स में मेरे हाथ बहुत अजीब लग रहे हैं, है कि नहीं? अब तो तुम आगे बढ़ चुके हो दोस्त। ये इतना अजीब क्यों है? ये तो रिलैक्स करने के लिए होता है, अगर तुम्हें ये पसंद है। अरे यार, मुझे और कितनी देर ये करना होगा? मैं काउंटिंग तो भूल ही गया। ठीक है, तुम 100 लेयर्स के करीब हो। वो क्या है, तुम्हारा हाथ है भी? मैं इसे और पहचान भी नहीं पा रहा। ठीक है, बस कुछ आखिरी लेयर्स और ये तो अब बोल में फिट भी नहीं आ रहा। और ऐसा लग रहा है कि ये 1000 पाउंड का भार है। तो क्या मुझे मेरा स्पा वापस मिल सकता है? हे, इसे निकाल दो, ये मेरे जूल्स है। नहीं, अब ये मेरा हिस्सा है, प्लीज इन्हें मुझे रखने दो, मुझे दो। बहुत मुश्किल था। क्या आप 100 लेयर चैलेंज करेंगे? बिहाइंड द सीन्स में देखें कि हमने स्टंट्स कैसे किए। और हमारे चैनल 1-2-3 गो चैलेंज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी मजेदार चैलेंजेस के लिए।